ये ऋषि जी, जिस तरह से आज यहाँ पर रैली निकाली गई, सर क्या देखते हैं, किस तरह का जोश है वो लोगों में दिख रहा है? देखिए, आप देख सकते हैं कि युवाओं में जो जोश है वो आपके सामने ही है। कई संख्या में जो लोग हैं, युवा हैं, वो अपनी बाइक्स लेकर जहाँ बनी में एक बाइक रैली का आयोजन किया। और ये जो रैली थी, इसे हमने नाम दिया था एक युवा ललकार रैली। और ये शक्ति प्रदर्शन था हमारा युवाओं का, बाकी पार्टियों को लेकर जो के झूठे बातें करके और अफवाहों में जी रहे हैं। और आपने सबने देखा कि कितना जोश था युवाओं में। 20 सालों के संघर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से सत्ता हासिल की है। और पिछले एक दशक को आप अच्छे तरीके से देख ही रहे हैं कि पिछले एक दशक में क्या नहीं मिला है। सब एक एक योजनाओं को गिनाने लगूंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा। मेन एक योजना आपको बता रहा हूँ, आयुष्मान भारत का इतना बड़ा लाभ मिला है। कुछ लोग जो बातें करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 15 लाख रुपया देने वाले थे, कहाँ गया? मैं आज बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे दोस्तों, अपने जेब चेक करिए, आपके घर में 25-25, 30-30 लाख रुपया है। 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड जो है वो आज लोगों के जेब में पड़ा हुआ है। भगवान ना करे कि कभी किसी को कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त होना पड़े, तो आज मोदी जी ने गारंटी लेकर आयुष्मान कार्ड आपके जेब में डालकर रखा हुआ है। और जो भी परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे 5 हैं या 7 हैं, हर एक के जेब में 5 लाख रुपए लेकर रखा हुआ है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? मेरे साथियों, सबको बताना चाहता हूँ कि पिछले इन कुछ चंद सालों के पहले कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता था तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते थे, जीएमसी जम्मू ले जाते थे, तो वो सबसे पहले पूछता था कि भाई आप बताइए कि आप करते क्या हो, आपका कारोबार क्या है, आपकी इनकम कितनी है। तो जब एक गरीब व्यक्ति हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र से दूर दराज इलाका से वहां पर जब बताता था कि मैं मजदूर हूं, तो उसको डॉक्टरों द्वारा कहा जाता था कि आप इस पेशेंट को वापस ले जाइए, आप इसको 2-4 दिन जो भी खिलाना पिलाना है खिला लीजिए, अब जय नहीं बच सकता, क्योंकि इस पे हजारों लाखों रुपए का जो है वो वाला है। लेकिन आज आयुष्मान कार्ड की वजह से आज गंभीर से गंभीर बीमारियों के ऑपरेशन जो है वो अस्पताल में हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये बहुत सारी उपलब्धियां हैं, ये तो एक मात्र छोटी सी उपलब्धि है। धन्यवाद।